तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक होगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इस प्रकार की फ़ोटो एडिटिंग। तो दोस्तों, आप लोग कर लो इस चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, और यहाँ से कर लो घंटा ऑल। तो सबसे पहले चले आना है आपको अपने लाइटरूम एप्लीकेशन की ओर। तो चलते हैं अपने लाइटरूम एप्लीकेशन की ओर। तो दोस्तों, आ गए हैं हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन की ओर। तो दोस्तों, आपको इसमें अपने फ़ोटो को कर लेना है शेयर, और कर लेना है ऐड, और कर लेना है इस फोटो पे टच। टच करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। तो देखना इस फोटो को मैं कैसे उस तरह का बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाना है अपने इस लाइट वाले में। लाइट वाले में आने के बाद इसके एक्सपोजर को कर लेना है थोड़ा सा कम। कम करने के बाद आपको आ जाना है इस ये कलर वाले इफेक्ट में, ठीक है। कलर वाले टूल में आने के बाद इसका टेम्परेचर को कर लेना है थोड़ा सा लो, ठीक है। लो कर लोगे थोड़ा सा आप लोग, उसके बाद इसके सेचुरेशन को भी कर लेना है थोड़ा सा लो, ठीक है। करने के बाद आ जाओगे मिक्स टूल में। मिक्स टूल में आने के बाद आप लोग इस ये ऑरेंज वाले पे जाओगे और इसके सेचुरेशन को कम कर दोगे इतना, ठीक है। उसके बाद इसके लेमिनेस को थोड़ा बढ़ा दोगे, और फिर आ जाना है आपको इस ग्रीन वाले रंग पे। ग्रीन वाले कलर पे आने के बाद इसके कलर को कर दोगे ग्रीन या फिर येलो, आप कोई भी कर सकते हो। और इसका सेचुरेशन को बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद आपको करना क्या है, आ जाना है इस ब्लू वाले में। ब्लू वाले में आने के बाद देखो, जैसे बढ़ाओगे आपको कुछ कलर, हेयर ओवर का कलर खराब होगा, तो आप ये वैसे का वैसे रहने देना, ठीक है। उसके बाद आ जाना इस रेड वाले में। रेड वाले में आने के बाद आपको इसको करना है इधर पिंक की तरफ, तो आपका ये कुछ जो लिप्स हैं, लिप्स सही हो जाएगा, ठीक है, मस्त लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से कर लेना है डन। डन करने के बाद आ जाओगे इस इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इफेक्ट वाले ऑप्शन में आके आप इसका टेक्सचर को बढ़ा लेना, और उसके इसके किधर गया, हाँ, इस भिगनेट को कर लेना थोड़ा सा कम, ठीक है। कम करने के बाद आ जाना इस ये डिटेल वाले में, और इसके शार्पनिंग को कर लेना थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा करने के बाद हो गया। अब आपको इस फोटो को करना है सेव। सेव कैसे करेंगे, इधर जाके सेव टू डिवाइस कर लेंगे। तो दोस्तों, हो गई हमारी फ़ोटो कुछ सही, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ से कर लेना ओके। अब चलते हैं हम अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन की ओर। तो दोस्तों, आ गए हम अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन में, ठीक है। अब इस प्लस वाले आइकन पे टैप करना है, ठीक है। और अभी जस्ट इस फोटो को हमने एडिट किया था, इसको चूज कर लेना है, ठीक है। चूज करके इसमें ला देना है। उसके बाद जाना है ये टूल वाले में। टूल वाले में जाने के बाद सबसे नीचे होता है ये पोर्ट्रेट का, तो आप इसमें जाके पोर्ट्रेट वाले में जाके इसके पोर्ट्रेट थोड़ा इसको मतलब प्रोसेसिंग होगा, आपका फेस को डिटेक्ट करेगा ये, ठीक है। तो करने देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ, ठीक है, डिटेक्ट कर लिया। अब इसको बढ़ा देना है। देखो दोस्तों, बढ़ाने के बाद हम लोगों का फेस कुछ गजब ही लग रहा है, ठीक है। बढ़ा दिए, और इसका थोड़ा नीचे स्लाइड मारेंगे तो स्किन स्मूथिंग का ऑप्शन आएगा, इसको भी बढ़ा देते हैं। तो देखो स्किन क्या स्मूथ हो गई हम लोगों की, ठीक है। अब करना क्या है, अब करना है यहाँ से डन। डन करने के बाद देखो हमारा फेस कैसा था पहले, अब देखो कैसा हो गया, ठीक है। देखो कुछ पहले कैसा था, दिखा देता हूँ, देखो कैसा था, अब देखो कैसा हो गया। अब करना क्या है, फिर से जाना है टूल में, और ये लेना है ये सेलेक्टिव टूल। सेलेक्टिव टूल लेने के बाद आप लोग करोगे क्या, आप अपने शर्ट पे लगा दोगे, और इसको ऐसे करके एडजस्ट कर लोगे अच्छा से, और इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा बढ़ा देना है, और करना है यहाँ से डन। डन करने के बाद आप करोगे क्या, फिर जाओगे टूल में, ठीक है। उसके बाद आ जाते इस डिटेल वाले में। डिटेल वाले में आने के बाद आपको इस डिटेल को स्लाइड मारना इधर, तो देखो कुछ इतना डिटेल हो जाएगा, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी ये देखो शर्ट कुछ ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा है, तो कम कर देना है। उसके बाद करना है यहाँ से अप्लाई। अप्लाई करने के बाद जाना है एडिट स्टैक में, और फिर जाना है व्यू एडिट्स में। उसके बाद फिर डिटेल पर टैप करना है, और फिर करना है इस ब्रश वाले पर टैप, और आपका जहाँ जहाँ डिटेल देने की इच्छा है आप दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ देता हूँ हेयर पे, ठीक है, और इस शर्ट पे दे देता हूँ, ठीक है।
दे दिया मैंने, अब यहाँ से कर लूँगा अप्लाई। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अब फिर आना इधर से बैक। देखो यहाँ कुछ मेरा हैंड यहाँ पे दिख रहा है जो कि ब्लैक है, इसको भी सही कर लेते हैं। जाना है सिलेक्टिव टूल्स में और इसको कर लेना है अच्छा से एडजस्ट। ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं और इसका इसका देना है ब्राइटनेस बढ़ा, तो देखो वाइट हो गया। अब इसे कर लेना है अप्लाई और आप इधर से कर सकते हो यहाँ से एक्सपोर्ट, तो कर देते हैं एक्सपोर्ट। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।